ವಿಜಯದಶಮಿ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜೀವನಾನುಭವ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಪೌರ್ಣಮೂರ್ತ ಸರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಪರಿಚಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಶುಭಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬೋದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆಳದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲಿತರು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವಿವತ್ತು. ಹರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಂತರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವರ ದೀರ್ಘವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯಾ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯಾ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ, ಅಪ್ಪ ತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯಾ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯಾ. ಆ ಪಾದ ಮೌಳಿ ಎನ್ನೋಳು ಅಘ ಬಹಳ, ಆ ಪಾದ ಮೌಳಿ ಎನ್ನೋಳು ಅಘ ಬಹಳ. ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದಧೀಶಯ್ಯ, ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದಧೀಶಯ್ಯ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ಜಗದ ಘಹರನೆಂಬೋ ನಿನ್ನಯ ಬಿರುದು, ಜಗದ ಅಘಹರನೆಂಬೋ ನಿನ್ನಯ ಬಿರುದು. ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನೆ ರಾಮನೆ ಗುಣಧಾಮನೆ, ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನೆ ರಾಮನೆ ಗುಣಧಾಮನೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ಇನ್ನಿನ್ನ ಕಲುಷ ವಾರಿಸೋ ಭವತಾರಿಸೋ, ಇನ್ನಿನ್ನ ಕಲುಷ ವಾರಿಸೋ ಭವತಾರಿಸೋ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಾಭಯ ಶಮನ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಾಭಯ ಶಮನ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ಅಪ್ಪ ತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ, ಅಪ್ಪ ತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಯೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
पवन गुप्ता जी हमारा साथ है, हर्ष जी है आज। इनका परिचय तो मैं सिर्फ मेरी तरफ से करूंगा, क्योंकि ये तीन दिन का जो कार्यक्रम है, पहले पवन जी का जो जीवन पयन है उसी का विषय का आधारित है, तो इसका बारे में तो वही कहेंगे। मैं सिर्फ मेरा और उनका संबंध का बारे में यहाँ थोड़ा एक दो मिनट बात करूँगा। पवन जी तो हमारा गुरु जी का समान है, वो हमारा जो मैं और हर्ष त्रिपुरी में जहाँ पढ़ते थे प्रोफेसर नवज्योति सिंह का, वहाँ उनका हमारा गाइड थे वो, तो वहाँ उनका मेरा परिचय हुआ 2009 में। तो इनका जो विशिष्ट वैशिष्ट्य क्या है कि वो जो भी वो काम कर रहे हैं जीवन में, वो उनका अनुभव का साथ कर रहे हैं। हमारा सब साधारण सभी लोग का ऐसा होता है कि हम जो जीवन में होता है, समाज में होता है, उसका प्रवाह में हम चले जाते हैं। खुद एक व्यक्ति होकर, खड़े होकर, अपने आप को थोड़ा समझकर क्या करना है, ऐसा सोच के कुछ करने के लिए बहुत साहस और शक्ति चाहिए। ऐसा कुछ लोग पूर्णप्रभा जी को पहले से ही हमारा शक्ति है। हमारा जो बेदास स्वामी जी है, उनका बचपन से ऐसे ही हम उनका जीवन जो है वो पूर्णप्रभा जी का आदर्श धारा है। तो पूर्णप्रभा जी है जो सब इतिहास पुराण में जो भगवान का गुरु, बहुत सारे गुरु का वो जो भी जीवन है, वही हमारा काम के लिए प्रेरणा है। और आजकल जो हमारा साथ में गुरु लोग है, जो बेदास स्वामी जी है, सानंद स्वामी जी हमारा साथ रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे जैसे हमारा पवन गुप्ता जी है, मनोज्योति सिंह, और बहुत सारे जो हम रेगुलरली उनसे जो भी सीखा है वो हम यहाँ पूर्णप्रभा जी में अनुष्ठान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उनका जो हिमालय का पास जो उनका विशेष का प्रयत्न है, वो बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है। आजकल भी ऐसा प्रयत्न हो सकता है, इसका बारे में आप सुनेंगे आज। हर्ष जी भी ऐसे ही है, उनका उनका भी जो आज तो पूरा प्रपंच सिटी बेस हो गया, तो इस समय में भी ग्रामीण जो जीवन है, हमको जो भी आप विचार करेंगे तो पकड़ना है मूल एटॉमिक लेवल में। तो सभी समाज का एटॉमिक लेवल है कुटुंब व्यवस्था, और कुटुंब व्यवस्था का साथ है ग्रामीण व्यवस्था, ये मूल चिंतन है। इसी में व्यक्ति का विकसन होगा, इसको पकड़कर उनका जो अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों हमारा साथी है इस पॉइंट में। पूर्णप्रभा जी का बहुत प्रेरणा शक्ति उनसे हमको मिलता है। मैं सोचता हूँ कि आप सभी इस जो सत्र आज कल और परसों चलेगा, इसको बहुत सावधान से उनका साथ संवाद से हम इस समय को अच्छा उपयोग कर सकेंगे। जिससे सभी का तरफ से आप दोनों को यहाँ स्वागत करता हूँ, क्योंकि वहाँ से हिमालय से हम इसी योजना के लिए यहाँ आए हैं। उनका हिमाचल जाना था धर्मशाला पर, उन्होंने यहाँ पहला प्रायोरिटी दे के यहाँ हमारा पूर्णप्रभा जी के लिए इस 3000 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो इसका पूर्ण लाभ हम देने के लिए यहाँ हम सब उसका पूर्ण लाभ हमारा तगोंडो इतना चेन्नई ना उपेक्षण सहिता मत इतर परवागि ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷವರ ಈ ಒಂದು ಈ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲಹೆಗಳು, ಆದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇವರ
ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರ ಅನುಭವಿಸಿ ಪಹಿಕೋ. सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कन्नड़ में नहीं बोल बात कर सकता हूँ. ये सचमुच में एक दुविधा होती है. कहीं भी देश में जाते हैं और अगर वहाँ की भाषा में नहीं बोल पाते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में बोलना पसंद नहीं करता हूँ. बोलता हूँ लेकिन इच्छा से नहीं बोलता हूँ, मजबूरी में बोलता हूँ. तो मैं हिंदी में बोलूँगा आपसे, और आपसे एक अनुरोध है कि आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे रोकेंगे और हम उसको अंग्रेज़ी में, और श्रीनिवास उसको शायद कन्नड़ में ट्रांसलेट कर लेंगे. मैं बहुत तैयारी करके नहीं आया कि क्या बोलना है. वो इसलिए कि मैं 30-35 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है उसका जो निचोड़ है वो ये है कि ईमानदारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ईमानदारी अपने साथ, दिखने वाली ईमानदारी नहीं. और बात में जब ईमानदारी होती है तो उसमें बहुत सोचने से कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर उसमें कुछ बनावटी पना, कुछ आर्टिफिशियलिटी, कुछ कृत्रिमता आती है. ये मेरा अनुभव है. ईमानदारी से बात करना कठिन है क्योंकि उसमें अपने अंदर झांकते हुए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए बोलना होता है. ये मेरा 33 साल में मैंने ये एक, श्रीनिवास कल मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला क्या बात करना है, तो इन्होंने कहा कि आप अपने जीवन की बात करिए. तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ, और ये मैं विनम्रता से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही है मैं, बिल्कुल जैसे सब लोग होते हैं वैसा ही मैं हूँ. कोई विशेषता मेरे में मैं नहीं न पाता हूँ, न पाने की इच्छा भी नहीं है. तो एक साधारण आदमी क्या बात करेगा. मेरे ऐसे पिताजी थे, माताजी थी, ऐसे परिवार था, इसमें कुछ खास सीखने वाली कोई बात है नहीं. तो मैंने सोचा कि मैं ईमानदारी से बात करूँगा, और जो उस समय समझ में आएगा, आप लोगों के हाव भाव देख के, आप लोगों के जो भी मुझे कुछ होता है ना, बिना शब्दों के भी कुछ संप्रेषण होता है. हम सब एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, कभी कभी प्रेरित भी होते हैं. प्रेरित कम होते हैं, प्रभावित ज़्यादा होते हैं. ये फ़र्क समझ में आ रहा है, प्रभाव और प्रेरणा का. हाँ, एक इन्फ्लुएंस है और दूसरा इंस्पिरेशन है. तो वो जो प्रभाव पड़ेंगे मेरे ऊपर उससे भी कुछ होगा. तो मैंने ये सोचा कि मैं ईमानदारी से आपसे बात करूंगा, और जो निष्कर्ष पे कुछ कुछ मैं पहुंचा हूं वो उसकी यात्रा क्या रही है, यानी मेरे विचार की या मेरे कन्विक्शंस की, आज के दिन जो चीज़ पे मैं पूरा विश्वास करता हूं, जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, दोनों बात, उसकी यात्रा, उसकी जर्नी के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा. और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी मदद करे, कोई चीज़ भूल ना जाऊं, क्योंकि प्रिपेयर करके नहीं आया. मेरा बचपन कलकत्ते में ज़्यादा गुजरा, और थोड़ा जो छुट्टी का समय, स्कूल कलकत्ते में गया, और छुट्टी का समय मैं, हमारे पिताजी बिहार में एक छोटे सी जगह रहते थे, वहाँ पे एक फैक्ट्री, राइस मिल और ऑयल मिल चलाते थे. तो हमारी सारी छुट्टी बिहार में होती थी और पढ़ाई कलकत्ते में. तो हमारे दो घर थे,
दो नहीं, दो से भी ज़्यादा घर थे, तीन घर थे, क्योंकि मेरे नाना का भी एक घर था जहाँ जैन साधु लोग आते थे, वो जैनी थे, तो ये जो सफ़ेद कपड़े वाले जैन साधु होते हैं वो लोग उनके यहाँ आते थे, और मेरे पिताजी का एक घर कलकत्ते में और एक बिहार में, और हम लोग मूलतः ओरिजिनली हम लोग राजस्थान से, पर मैं राजस्थान टूरिस्ट की तरह गया, हमें हम लोग वहाँ से 100 साल 125 साल पहले माइग्रेट कर गए कलकत्ता बिहार। तो हमारे जो घर का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ा वो मेरे ताऊजी यानी मेरे पिताजी के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, वो पढ़ने में बहुत तेज थे, कलकत्ते में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया 1928-29, और उसके बाद वो वहाँ पे जब थे प्रेसिडेंसी में तो उनका हॉस्टल के रूममेट जो थे वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आपने नाम सुना है कोई नहीं सुना, डॉक्टर लोहिया सोशलिस्ट लीडर, अ ग्रेट सोशलिस्ट लीडर, एंड ही पास्ड अवे 67 में उनकी डेथ हो गई। मैं उनको एक देशभक्त आदमी मानता हूँ, हालांकि वो सोशलिस्ट थे, मतलब इवन दो ही वॉज अ सोशलिस्ट। तो मेरे ताऊजी और डॉक्टर लोहिया रूममेट थे और वहाँ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो उसके बाद मेरे ताऊजी गए पढ़ने के लिए लंदन और डॉक्टर लोहिया पढ़ने के लिए गए जर्मनी, पर उन लोगों का दोस्ती बना रहा, और जब वो वापस आए वहाँ से तो वो लोग दोनों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इट वॉज पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, विद इन द कांग्रेस पार्टी एक छोटा सबसेक्शन था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसमें जे बी कृपलानी, उसमें डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, दीज वेर द पीपल पार्ट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये उसके सदस्य थे, और 42 में जब देश में भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया तो ये लोग सब अंडरग्राउंड चले गए थे, यानी ये लोग जेल जाने से को रेजिस्ट करने के लिए और अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने के लिए जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, ये लोग सब अंडरग्राउंड हो गए थे, और ये लोग भेष बदल करके हमारे घर में रहते थे इन डिस्गाइज। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नॉट टू ग्लोरीफाई बट टू टेल यू द इन्फ्लुएंस अंडर विच आई ग्रू। सो व्हेन आई वाज अ किड, दिस वाज आई वाज बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन मैं ये सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस हमारे घर में बहुत था, क्योंकि डॉक्टर लोहिया हमारे घर में रुकते थे कलकत्ता जब आते थे, और जितने भी सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग थे, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर, ऑल द पीपल, ये लोग हमारे घर में रुकते थे, क्योंकि दैट टाइम ऑपोजिशन लीडर्स डिड नॉट हैव एनी मनी। टुडे ऑपोजिशन ऑल्सो हैज़ मनी, रूलिंग पार्टी ऑल्सो हैज़ मनी, बट उस टाइम ऑपोजिशन हैड नो मनी, ओनली कांग्रेस पीपल हैड मनी। सो दे ऑल यूज टू स्टे एट विथ अस इन अ स्मॉल प्लेस, एंड मैं जिस कमरे में सोता था वहाँ ये लोग भी सोते थे। तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि सबको इंडिविजुअल रूम है और अटैच बाथरूम है, ऐसा तो नहीं था सिस्टम। तो सब हम लोग एक बड़ा कमरा होता था, उसमें हमारे ताऊजी भी सोते थे, मैं भी सोता था, मैं बच्चा था, डॉक्टर लोहिया भी सोते थे, और भी कोई आता था तो वहीं सोते थे। तो मैं उनकी बातें बहुत सुनता था। तो मेरा सबसे पहला इम्प्रेशन था कि आई यूज़ टू टेक प्राइड इन बीइंग अ लेफ्टिस्ट। आई डिड नॉट नो व्हाट लेफ्टिज्म वाज, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन एक बच्चे के रूप में मुझे बहुत गर्व होता था कि हम लोग देश की बात करते हैं और देश की चिंता करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है, और हम लोग गरीब की बात करते हैं, हम लोग रेडिकल बात करते हैं। इस ये एक भाव, एक छोटा बच्चे को ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन एक इम्प्रेशन ये, और मैं स्कूल में सोचता था कि मैं दूसरों से थोड़ा सुपीरियर हूँ इस मामले में,
कि मैं इस ऐसा परिवार से हूँ जो देश के बारे में सोचता है, जो रेडिकल रूप में सोचता है. इट वॉज ऑल फॉल्स, बट ऐसा मेरा उस टाइम का इम्प्रेशन था. धीरे धीरे हमको एक चीज़ समझ में आने लगी, और उसमें शायद ये उसमें मेरे नाना के परिवार में जहाँ जैन साधु आते थे उसकी वजह से, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्ट्रास्टिंग नेचर. मेरे घर में वी वेर आइकोनोक्लास्ट, माने भगवान की पूजा नहीं होती थी हमारे यहाँ. हमारे यहाँ कोई रीति रिवाज नहीं मनाया जाता, क्योंकि हम लोग लेफ्टिस्ट थे तो ये सब नहीं होता था. ये सब चीज़ को ट्रेडिशन को थोड़ा गलत चीज़ माना जाता था. और हमारे नाना के घर में जैन साधु आते थे, वो लोग बैठते थे, उनको बहुत आदर सम्मान दिया जाता था. तो टोटल कॉन्ट्रास्ट, यू नो. तो ये बट ये कॉन्ट्रास्ट वॉज कन्फ्यूजिंग एट वन लेवल, बट वेरी गुड. नाउ आई थिंक इट वॉज वेरी गुड बिकॉज आई केम आउट ऑफ सम थिंग्स, नहीं तो मैं निकल नहीं पाता. तो मुझे धीरे धीरे लेफ्ट का जो एक हिपोक्रेसी है वो मुझे समझ में आने लगा. ये भी समझ में आने लगा कि हमारे घर में पैसे को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन मेरे नाना के घर में जहाँ जैन साधु आते थे वहाँ पैसे को बहुत महत्व दिया जाता था. मेरे घर में नहीं दिया जाता था, लेकिन दूसरी तरह की हिपोक्रेसी बहुत थी, विचारों की हिपोक्रेसी. मेरे घर के मेरे ताऊजी में नहीं था वो बात, लेकिन जो लोग आते थे वहाँ पे, जर्नलिस्ट आते थे, पॉलिटिशियंस आते थे, जो ये इंटेलेक्चुअल्स आते थे, ये लोगों का टोटल विचार के रूप में हिपोक्रेसी मुझे बचपन से महसूस होने लगा. मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पाता था तो, पर मेरे को ये दिखने लगा कि हिपोक्रेसी इज नॉट जस्ट वन काइंड. एक तो होता है कि मन में आदर नहीं है आप दूसरे को, बहुत हमारे देश में बहुत चलता है ना, हम लोग बहुत दूसरे को बताते हैं कि नहीं नहीं आपका कितना सम्मान हम कर रहे हैं, पर सम्मान अंदर में नहीं होता है. ये हिपोक्रेसी तो हमारे देश में हर जगह है, या हम कितने अच्छे हैं ये दिखाते हैं हम लोग, पर उतने अच्छे होते नहीं हैं. हाँ, ये सब चलता है, लेकिन ये जो वैचारिक हिपोक्रेसी है वो मुझे लेफ्ट का समझ में आया. और कलकत्ता उसका डेन है, मैं ऐसा मानता हूँ. एक चीज़ और मुझे धीरे धीरे समझ में आया बाद में कि बंगाल इज़ अ यूनिक स्टेट ऑफ इंडिया. कैसे कि एनी अदर स्टेट, आई टेक कर्नाटका, आई टेक तमिलनाडु, आई टेक महाराष्ट्र, आई टेक गुजरात, आई टेक राजस्थान, आई टेक यूपी का तो कहना ही क्या है. एवरी सिंगल टाउन विल हैव अ डिफरेंट कल्चर. यूपी में बनारस का कल्चर अलग है, लखनऊ का कल्चर अलग है, कानपुर का कल्चर अलग है, हर जगह का अलग अलग कल्चर है. ऐसे ही आपको महाराष्ट्र में भी, नासिक है, पुणे है, बॉम्बे है, आपको कुछ अलग दिखाई देगा, कुछ यूनिकनेस दिखाई देगी. बंगाल इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे सारा कुछ खाली कलकत्ते तक सीमित है. देर इज नो अदर टाउन जहाँ पे कल्चरली कुछ है. थोड़ा बहुत इंडस्ट्री है, वो भी बहुत थोड़ी बहुत, एक सिलीगुड़ी, एक दुर्गापुर, एक आसनसोल, बट कल्चर के नाम पे कुछ नहीं है. कल्चर के नाम पे जो कुछ है अच्छा या बुरा वो कलकत्ते में है. कैलकटा डोमिनेट्स बंगाल. नो अदर स्टेट कैन से दैट कि यू कांट से कि कर्नाटक इज डोमिनेटेड बाय बैंगलोर. आई डोंट थिंक यू कैन से दैट. मैसूर मस्ट बी हैविंग अ रिच कल्चर, उडुपी मस्ट बी हैविंग अ रिच कल्चर, देर मस्ट बी अदर प्लेसेस, पर धारवाड़, बट यहाँ पे तो बंगाल में सिर्फ कैलकटा डोमिनेट्स बंगाल. एंड कैलकटा इज वेरी डिफरेंट. बाद में मुझे पता चला, बिकॉज बाद में IIT में गया, IIT के बाद मैंने एक फैक्ट्री शुरू किया बिहार में, तो उसके रॉ मटेरियल परचेज के लिए मैं बंगाल के गाँव में बहुत घूमा अदर देन कैलकटा. एंड आई फाउंड दैट बंगाल आउटसाइड ऑफ कैलकटा is very very different from the Calcutta Bengal. Very different, very rooted, even spiritually alive. Really, ये सब भी है, traditions भी है, कलकत्ते में नहीं है. कलकत्ते में आपको ढूंढना पड़ेगा. कलकत्ते में सब लोग modern हो गए हैं, और उसका कारण हमको बाद में समझ में आया. तो anyway, I am trying to tell you that ये बहुत बचपन से
हमको हिपोक्रेसी कितने तरह की होती है एंड हाउ डैमेजिंग इट इज, ये मुझे समझ में आया. और आज भी मैं मानता हूँ कि आई कैन स्मेल हिपोक्रेसी. हमको दिखाई दे जाती है विदाउट बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता. आई कैन सी हिपोक्रेसी ऑफ वेरियस काइंड्स एंड आई थिंक इट इज़ अ ट्रेजर दैट आई प्रोजेस. यू नो कि मुझे ये समझ में आती है. हमें पोलिटिकल हिपोक्रेसी हो, कल्चरल हिपोक्रेसी हो, ट्रेडिशन में भी बहुत हिपोक्रेसी है, ये सब मुझे समझ में आ जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड हुड. वैचारिक हिपोक्रेसी तो बहुत जल्दी समझ में आती है. तो एक तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था और इसका एजुकेशन से संबंध है. एजुकेशन से कैसे संबंध है कि मुझे बाद में समझ में आया कि ये जो शिक्षा नाम की चीज़ है इसमें हम लोग जो एक चीज़ खो रहे हैं, वो चाहे गांव का स्कूल हो, चाहे शहर का स्कूल हो, चाहे सो कॉल्ड अल्टरनेटिव स्कूल हो या मेन स्ट्रीम स्कूल हो, वो एक जो चीज़ खो रहे हैं वो ये सहजता. बच्चा ये बहुत जल्दी सीख जाता है कि आई मस्ट अपीयर लाइक दिस, मुझे ऐसा दिखना है. मैं क्या हूं, होना एक तरफ और दिखना एक तरफ, टू बी एंड टू अपीयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. हाउ आई लुक, हाउ आई अपीयर इज वन थिंग, व्हाट आई एम इज अ डिफरेंट थिंग. हमारा बच्चा स्कूल में जा कर के, घर में भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन स्कूल में जाके उसको एकदम समझ में आ जाता है कि आई मस्ट, व्हाट आई एम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ आई अपीयर इज इम्पॉर्टेंट. तो वो प्रिटेंड करना सीखता है. वो अंग्रेजी स्कूल में एक तरह का प्रिटेंशन होता है, एलीट स्कूल में एक तरह का प्रिटेंशन होता है, गांव के स्कूल में दूसरी तरह का प्रिटेंशन होता है, ट्रेडिशनल जगह में तीसरी तरह का प्रिटेंशन होता है, ऑल्टरनेटिव स्कूल में कुछ और तरह का. पर प्रिटेंशन से छुटकारा नहीं. मेरे एक गुरु थे धर्मपाल जी, आप लोग शायद नाम से फेमिलियर हो. तो धर्मपाल जी बता रहे थे एक बार कि 1950 की बात है, हरिद्वार में कोई शंकराचार्य आए थे, कहाँ के आए थे मुझे याद नहीं है. तो कुछ लोगों ने कहा कि शंकराचार्य आए हुए हैं, आप लोग चलते हैं मिलने के लिए उनसे. तो ये सब लोग गांधीयंस अपने को कहते थे, धर्मपाल जी वगैरह उस सब. तो ये लोग पांच छह दोस्त लोग शंकराचार्य जी से मिलने गए. तो धर्मपाल जी ने बताया कि शंकराचार्य जी बोले, जब लोगों ने कहा कि भाई ये लोग गांधी के ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि ये लोग गांधी के चेले हैं, तो शंकराचार्य बोले, हाँ कुछ लोग सोने को गले लगाते हैं, कुछ लोग मिट्टी को गले लगाते हैं, लेकिन गले तो लगाना छूटता नहीं. माने त्याग से भी चिपकाव एक चिपकाव है, पैसे से चिपकाव भी चिपकाव है, चिपकाव तो है ना, यू गेट अटैच्ड इवन टू त्याग. त्याग से भी अटैचमेंट है, सोने से अटैचमेंट है, बात तो एक ही है. तो ये स्कूल जाकर के बच्चा प्रिटेंड करना सीख जाता. आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश में, कुछ ज़्यादा है क्योंकि ये अंग्रेज़ों का देन, मैं मानता हूँ इसको. और फिर उसके रिएक्शन में जो लोग उसके अलग से काम करने लगे, वो कंटेंट बदल दिया, पेडागॉजी भी कुछ हद तक बदल दी, लेकिन ये बात पे ध्यान शायद कम गया कि सबसे ज़रूरी है ईमानदारी. और ईमानदारी का मतलब है जैसा आप हैं, जैसी आपकी स्थिति है, वैसे ही आपकी गति हो. अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो स्थिति पे काम कीजिए. अगर आपकी स्थिति में प्रॉब्लम है, यानी बीइंग में प्रॉब्लम है, तो बीइंग पे काम कीजिए. बट बीइंग को ढक करके खाली अपीयरिंग में ठीक कर दिया तो वो कुछ काम का नहीं. एंड मैं ये मानता हूँ कि इंडिया स्पेशली, क्योंकि मैं बाकी देश को तो जानता नहीं तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, इंडिया में, और मैं काफ़ी घूमा हूँ, गांव भी, शहर भी, ये भी, वो भी, अंग्रेज़ी भी, नॉन अंग्रेज़ी भी, ये सब माहौल देखा है कि हम लोग ये क्या हम हैं
व्हाट इज आवर ओन एक्सपीरियंस, उस पे ध्यान हटते जा रहा है. वी आर नॉट लिविंग आवर एक्सपीरियंस, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर एक्सपीरियंस, वी आर नॉट हैविंग एनी कॉन्फिडेंस ऑन आवर एक्सपीरियंस. सो मच सो दैट मुझे लगता है कुछ दिन बाद आज का बच्चा क्या कपड़ा पहनना है, ठंडा या गर्म, वो टेम्परेचर फोन में देख करके डिसाइड करेगा. He will have no confidence on his own experience and the experience of the past. कि अभी अगर आश्विन का महीना है तो आश्विन या कार्तिक के महीने में कौन सा कैसा मौसम होता है, ये उसका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा. उसका एक्सपीरियंस टेम्परेचर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का हो जाएगा. ये मुझे लगने लगा. ये आप आजकल दिन न्यूज़ में ये बात देख सकते हो. कोविड में ये बात देखने को हमको मिला. मेरे आईआईटी के जो दोस्त हैं वो ये मानते हैं कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है इस दुनिया में. आईआईटी का जो एरोगेंस है, दैट इज आई मीन मैं तो कभी कभी एकदम सोच ही नहीं पाता हूँ कि इतना एरोगेंस आईआईटी वालों को है. या और उसके बाद अगर आईआईएम हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है. तो ये आईआईटी आईआईएम कॉम्बिनेशन इज ए डेडली कॉम्बिनेशन. ऐसे लोग कोविड के टाइम में दे लॉस्ट देयर अपना दिमाग छोड़ दिया उन्होंने. वो जो रिपोर्ट अखबार में, मैगजीन में, जर्नल में, टीवी में आई, दे वर ओनली कंसर्न कि हु इज सेइंग व्हाट. माने इफ इट इज सम साइंटिस्ट सिटिंग इन सम वेरी मेजर लैब, उसने कोई बात बोल दी तो दे बिलीव इट, बट दे थॉट दे आर थिंकिंग पीपल. वो विश्वास कर रहे हैं उस पर, जैसे हम कोई पंडित पे, पुजारी पे, कोई गुरु पे विश्वास करते हैं. पर जब हम गुरु पे विश्वास करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हर्ष, मैं गुरु पे इसलिए विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गुरु है, मैं विश्वास करता हूँ उस पर. लेकिन ये आईआईटी वाला कोई साइंटिस्ट पे विश्वास कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि मैं विश्वास कर रहा हूँ. वो ये बोलता है मैं जानता हूँ, दिस इज राइट, दिस ये तो आज अखबार में आया है, ये आज टीवी में आया है, ये आज एक रिपोर्ट छपी है. ब्लाइंड बिलीफ, ब्लाइंड फेथ. बट वो आदमी ब्लाइंड फेथ और उसको सुपरस्टिशन बोलता है. वो आदमी खुद सुपरस्टिशन में जी रहा है, ये उसको पता नहीं. दिस इज आपको कुछ समझ में आ रही मेरी बात? आप इसको रिलेट कर पा रहे हो इस बात से? ये कोविड इतना बड़ा होक्स, आई एम नॉट सेइंग कोविड नहीं, मतलब लोग बीमार नहीं हुए, लोग हुए होंगे, लेकिन ये जो उसका जो ये पूरा एक आभा मंडल, पूरा एक ऑरा उसका बना, और उसमें इतने लोगों को डर गए लोग कि घर के अंदर घुस गए, मुंह पे पट्टी. मैं देखता हूं अभी भी गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी, शीशा भी ऊपर है, एसी चल रहा है, और उधर पट्टी बांध के बैठा है. किससे बच रहा है वो? आई डोंट नो. एंड ही हिज सेल्फ इमेज और हर सेल्फ इमेज इज कि आई एम एन एडुकेटेड पर्सन, राइट? वो गांव जो सड़क पे चलता है नंगे पांव, उसको मूर्ख मानता है वो, है ना, वो साधु को, ये तो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं मालूम है, इसको तो थोड़ा शिक्षित करने की जरूरत है. वो गाड़ी में शीशा ऊपर करके मुंह पे पट्टी बांध के बैठा है जैन साधु की तरह, और जैन साधु को बेवकूफ मानता है. ये आपका, आप इसको देख थोड़ा ऑब्जर्व करिए. टू मी आई गेट एंग्री, कोशिश करता हूं कि मेरा क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि विकार है ना वो भी एक, पर मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को दुख भी होता है, मेरे को रोना आता है कि ये हमारे पढ़े लिखे समाज को क्या हो गया है. दीज आर सो कॉल्ड एडुकेटेड पीपल एंड हाई, सम ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी हाईली एजुकेटेड, हाईली, दैट इज पीछे में हम लोग लगाएंगे कि हाईली एजुकेटेड, एंड मे बी दे आर सिटिंग इन वेरी पोजिशंस ऑफ पावर ऑल्सो, राइट?
आई मीन नॉट पॉलिटिकल पावर बट द रियल पॉलिटिकल पावर इज नॉट विथ पॉलिटिशियंस. रियल पॉलिटिकल पावर इज विथ इनविजिबल पीपल वी डोंट इवन नो. दे मे बी सिटिंग इन यूनिवर्सिटीज, दे मे बी सिटिंग इन हार्वर्ड, दे मे बी सिटिंग इन MIT और कोलंबिया. कोलंबिया में एक आदमी बैठा है, आपको पता है ना उसके बारे में, वो संस्कृत का सबसे बड़ा स्कॉलर दुनिया मानती है उसको. क्या नाम है उसका? शेल्डन पोलॉक, शायद नाम सुना हो आपने. एक अंग्रेज है, अंग्रेज नहीं अमेरिकन है, शेल्डन पोलॉक कोलंबिया में. वो वर्ल्ड अथॉरिटी, उसको रुतबा मिल गया है कि संस्कृत का अगर कोई स्कॉलर है दुनिया में तो वो शेल्डन पोलॉक है. और वो आपके शास्त्र को, आपके वेदों को इंटरप्रेट करके आपको बताता है कि आप लोग कितने गए गुजरे लोग हो. आप खाली आपने जाति का वो डिस्क्रिमिनेशन का काम किया अगेंस्ट द शूद्र कम्युनिटी, ये शेल्डन पोलॉक बताता है. और हमारे इंटेलेक्चुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, JNU, वो लोग बोलते हैं शेल्डन पोलॉक ने बोला तो ठीक ही है. दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आर वी, यू नो, दिस कम्युनिटी, बिकॉज वी आर इन एजुकेशन, ऑल ऑफ अस आर इन एजुकेशन, डू वी सी द सीरियसनेस ऑफ दिस फील्ड दैट वी हैव चोजन. डू वी सी कि कितना सीरियस मामला है, एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. ये भारतवर्ष के साथ जो हजार साल से अन्याय हुआ है, डू वी एज अ टीचर फील इट हियर और हियर वेर एवर? डू यू फील दिस एंगर? आई एम नॉट सेइंग एंगर इज अ गुड थिंग, बट डू यू फील दिस पेन और यू डोंट? Because I feel if you don't feel the pain, then either you are a sant, then I will bow down to you, then I'll learn something from you. But if you are not a saint, if you are an ordinary person like me and many of us over here, and you don't feel this pain, then what are you doing, and what are you doing with your child? कहीं तो आपको इसको फैक्टराइज करना होगा, मुझे ऐसा लगता है. मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ. बिकॉज दिस कंट्री हैज सफर्ड लाइक आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री हैज सफर्ड द वे दिस कंट्री हैज सफर्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर एट लीस्ट इफ नॉट मोर. एंड दिस पेन हैज गॉन इन टू आवर साइकी. आज का साइकोलॉजिस्ट, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो पेन होता है, सिविलाइजेशनल पेन, वो ट्रांसजेनरेशनल होता है. यानी अगर मेरे परदादा सेवन जनरेशन अर्लियर, इफ माय ग्रैंड 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 ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर underwent some trauma, no, मेरे को देखिए, अगर फिजिकल वायलेंस मेरे साथ हो, कोई आप मुझे कुछ इंजरी दे दें, दो दिन में, चार दिन में, एक महीने में हील हो जाएगा वो. इट विल गेट हील्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल फॉरगेट इट ऑल्सो. हम लोग सब बचपन में गिरे हैं, हमको किसी फ्रेंड ने कुश्ती में मार दिया होगा, कोई बॉक्सिंग हुआ होगा, कोई जमीन पर गिर गए होंगे, वी हैव फॉरगॉटन, कोई खास बात नहीं है. लेकिन इफ समवन हैज इंसल्टेड अस, इफ समवन हैज गिवन अस अ साइकोलॉजिकल पेन, किसी ने हमारे साथ अत्याचार किया मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से, उसको हम जल्दी से नहीं भूलते, वो बहुत साल तक याद रहता है. बल्कि उससे हमारा चरित्र बदल जाता है कभी कभी. अगर इमेजिन करिए, कोई बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, अनाथालय में रहता है, और उसके साथ कोई अत्याचार होता है रोज, वो बड़ा होके क्या नॉर्मल इंसान रहेगा? बहुत मुश्किल है.
कुछ न कुछ उसके अंदर उसका रिएक्शन होना ही है। वो या तो डरपोक हो जाएगा, या गुस्से वाला हो जाएगा, या इरिटेबल हो जाएगा, या सस्पिशियस हो जाएगा, या मनु चालाक बन जाएगा, धोखा देने वाला बन जाएगा, झूठ बोलने वाला बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल होगा। ये भारतवर्ष के साथ क्या हजार साल से ऐसा नहीं हुआ है? आप मुझे बताइए, आपके साथ या आपके नेबर के साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? आपको तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए टैक्स देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? आपको कुछ भी अपनी मर्जी के करने के लिए आपको मैनुपुलेट करना पड़ा या आपको टैक्स देना पड़ा? आप राजस्थान घूमने जाइए कभी और मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे शहर ले जाऊंगा जहां आपको एक भी पब्लिक टेंपल नहीं दिखाई देगा। ऑल टेंपल्स आर विद इन द हाउसेस ऑफ और हवेलीज ऑफ द रिच पीपल हु वर ट्रेडर्स और हु वर राजा के आसपास के लोग, या तो राजा लोग या राजा के वंशज या ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो बड़े ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग थे उनके हवेली के अंदर आपको टेम्पल्स मिलेंगे, पब्लिक स्पेसेस में नहीं मिलेंगे। अभी कोई खुल गए हो 50-60 साल में तो अलग बात है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट नॉट बिफोर दैट। व्हाई? बिकॉज द ट्रेडिंग कम्युनिटी, इवन द किंग्स, मुगल किंग्स नीडेड देम। ट्रेडिंग कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी, कोई भी राजकाज चलाने के लिए ट्रेडिंग कम्युनिटी की बहुत ज़रूरत होती है। सामान को इधर से उधर ले जाना, पैसे का लेन देन करना, समाज का पहिया चलते रहता है। ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसलिए कन्वर्जन सबसे कम हुए, सबसे कम कन्वर्जन ट्रेडिंग कम्युनिटी में हुए, और ट्रेडिंग कम्युनिटी को उन्होंने छोड़ दिया। और ट्रेडिंग कम्युनिटी ने कहा ठीक है, हम अपना घर में मंदिर करते हैं, आपको पूजा करना हो मेरे घर में आके कीजिए। ये आज की बात नहीं है, दिस इज गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इन नॉर्थ इंडिया यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल बिग टेम्पल। व्हाई? द लेटेस्ट, द ओनली बिग टेम्पल हैपेंड इज बिरला मंदिर ऑफ दिल्ली, विच इज ओनली 70-80 ईयर्स ओल्ड, मे बी 100 नाउ। नहीं तो आपको मिलेगा नहीं एक भी टेम्पल। जिस कम्युनिटी के टेंपल तोड़ दिए गए, जिसके कन्वर्जन हुआ, जिसको हर बात के लिए टैक्स देना पड़ा, वो कम्युनिटी का साइकी में कोई फर्क नहीं होगा। वो डरेगा नहीं, वो चालाक नहीं बनेगा। आप बताइए, चालाक का मतलब हिपोक्रेसी, बाहर में कुछ घर के अंदर कुछ और। उसके मन में यह आएगा कि बाहर में, घर के जब बाहर जाओ संभल के जाओ, ज़्यादा बात बात मत करो, अपने मन की बात मत करो, चुपके से निकल जाओ, अपने काम से काम रखो, घर की महिला को घर के अंदर रखो, बाहर नहीं जाने दो ज्यादा। ये सब तो नेचुरल है ना आउटकम। ये जो है दिस, ये जो होता है इसका असर, वो असर एक जनरेशन में नहीं जाता, इट परक्यूलेट्स डाउन बिकॉज योर बिहेवियर। जैसे मुझे हिपोक्रेसी अपने घर में बैठे बैठे समझ में आने लगी, मैं बच्चा था, मुझे समझ में आने लगी, वैसे ही ये जो वायलेंस होती है, इस तरह की वायलेंस, उसको भी तो बच्चा समझ लेता है। इट गेट्स ट्रांसलेटेड, ट्रांसफर्ड टू द यंगर जनरेशन एंड देन टू द यंगर एंड देन टू द यंगर। इसको नॉयपॉल साहब, V.S. विद्यासागर नॉयपॉल, जो कि वेस्ट इंडीज के रहने वाले थे, ही गॉट अ नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, बेसिकली एन इंडियन हु माइग्रेटेड टू वेस्ट इंडीज एंसेस्टर्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है द वुंडेड सिविलाइजेशन, द वुंडेड सिविलाइजेशन, घायल सभ्यता। ये जो घायल घाव है, ये हमारा सिविलाइजेशनल घाव है, और उसकी वजह से आज ये जो आपको भ्रष्टाचार दिखता है,
ये आपको करप्शन दिखता है, ये आपको मुंह के सामने हाँ पीछे से ना दिखता है, ये जो चालाकी दिखती है, बच के निकल जाओ, ज्यादा मत करो, ज्यादा कुछ, ये सब वो वुंडेड सिविलाइजेशन। एंड देन द ब्रिटिशर्स केम, राइट, 250 साल 200 साल ब्रिटिशर्स यहां रहे, उन्होंने आपको वो भी डराए आपको, क्योंकि वायलेंस उन्होंने कम नहीं किया। आप गोवा में जाके देख लो, गोवा में जो वायलेंस हुआ, आपका धारवाड़ का पूरा इलाका, ये जो कोस्टल कर्नाटक का इलाका है जहां बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये सब लोग गोवा से आए हुए। गोवा में पोर्टुगीज जो वायलेंस हुई है और फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ, उससे डर के मारे ये लोग इधर आ गए आपके कोस्ट पे। ये हमारे जॉर्ज फर्नांडिस द ग्रेट सोशलिस्ट लीडर वॉज फ्रॉम दैट एरिया, सो आई नो। और वहां पे आज भी बीजेपी क्यों जीतता है पता है आपको, इन स्पाइट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, बिकॉज दीज क्रिश्चियंस हु वर कन्वर्टेड फ्रॉम ब्राह्मिन्स, दे वर कन्वर्टेड बाय द पोर्टुगीज टू क्रिश्चियनिटी। ये लोग जब डर इधर खिसक के आ गए, उनके अत्याचार से घबरा के या उधर नहीं रहना है ये करके इधर जब आए, तो यहाँ पे टीपू सुल्तान ने इनको बोला कि तुम अब इस्लाम कबूल करो। तो ये लोग गए भाग करके महाराष्ट्र के पेशवा लोगों के पास कि हमको आप बचाइए, हम अभी क्रिश्चियन बने, अब ये बोलते हैं कि मुसलमान बनो। तो उन्होंने कहा हम आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और आपको हिंदू भी नहीं बनना है, आप क्रिश्चियन बने रहिए, अब एक बार बन गए तो बनिए, क्योंकि हिंदुइज्म में ये है नहीं रहा है कि आप धर्म परिवर्तन का कुछ इशू नहीं रहा है। तो इन्होंने प्रोटेक्शन दिया उनको, वो प्रोटेक्शन जो दिया पेशवा लोगों ने, उसका कलेक्टिव मेमोरी अभी भी इन क्रिश्चियंस के है, और उसकी वजह से बीजेपी जीत। आई एम नॉट सेइंग बीजेपी कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक पॉलिटिकल सवाल है, वो छोड़िए, बट एटलीस्ट इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रो हिंदू पार्टी, देयरफॉर दिस क्रिश्चियंस वोट फॉर दिस पीपल। दिस कंट्री हैज सफर्ड सो मच एंड थिंग्स हैव बिकम सो कॉम्प्लेक्स दैट वी हैव टू गो टू आवर हिस्ट्री टू अनरैवल दीज थिंग्स। क्या क्या हुआ है सर, मैं फिर से उसी बात पे आता हूं कि ये जो वुंड है, अंग्रेजों इस्लामिक युग का वुंड, डर का डर, एंड देन ब्रिटिश युग में डर तो था, लेकिन साथ साथ में एक उन्होंने, हमारे हिंदी में एक होता है करेला और उस पर भी नीम चढ़ा, एक कहावत है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अत्याचार तो रहा लेकिन आपको क्या और एक भाव दे दिया, यू आर इंफीरियर, द इस्लामिक पीपल कुड नेवर टेल यू दैट यू आर इंफीरियर, यू ऑलवेज फेल्ट यू आर सुपीरियर टू देम इन योर नॉलेज सिस्टम्स। आप कभी इंफीरियर नहीं फील किए, आप डर गए लेकिन इंफीरियर नहीं फील हुआ, अंग्रेजों ने आपको इंफीरियर भी फील करा दिया कि आपका ये वेद पुराण सब बोगापंथ है, कुछ नहीं है, अंग्रेजी एजुकेशन, मैकॉलियन एजुकेशन इज व्हाट विल टेक यू, साइंस, लुक एट दिस इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जलाओ, बटन दबाओ, बल्ब जल जाता है, स्टीम इंजन, यू नो ऑल दीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो जो चमत्कार हुआ उसके तो आप इमेजिन करो ना, जो उस घर में दिया जल रहा है उधर सडनली बत्ती आया होगा तो उस आदमी को तो जादू लगा होगा ना, और वो जादू की वजह क्या है, इंग्लिश एजुकेशन, तो वो उसका तो दिमाग उड़ गया होगा, हम तो आजकल इमेजिन नहीं कर सकते वो बात। तो एक तरफ डर, दूसरी तरफ इंफीरियोरिटी, वी आर स्टिल वी फील इंफीरियर, आई फील, अब जाकर के आई सी अ सर्टन चेंज व्हेन आई हियर जयशंकर गोइंग अब to America and speaking with relaxed manner, not no aggression on his face, but he speaks what he has to say. I say, kuch to ho raha hai, kuch to ho raha hai. First time, Pandit Nehru, he, Roma Rola has written, Roma Rola was a great admirer of India,
a French man who used to live in Switzerland. He has written biography of Ramakrishna. He has written biography of Mahatma Gandhi. He has written books on India, etc., etc. Great admirer of India. He, जो भी यहाँ से कोई विदेश जाता था, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, अगर वो विदेश जाता था इंडिया से बिफोर इंडिपेंडेंस, तो रोमारोला के यहाँ जरूर जाता था, क्योंकि रोमारोला वुड होस्ट इंडियंस, यू नो, महात्मा गांधी को भी होस्ट किया, नेहरू. ही हैज रिटन, रोमारोला हैज रिटन, देयर इज अ बुक, आई हैव रेड इट इन हिंदी, रोमारोला का भारत, आई एम श्योर इट मस्ट बी अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस. In that he writes, I have not seen a greater European than Pandit Nehru even in Europe. Okay, this is what Romarola writes, who is a very sophisticated European. I mean, wo el, kya kahe usko, aristocrat aadmi hai Romarola. I am not saying it in a derisive manner. मैं एरिस्टोक्रेसी को बहुत ऊंचा मानता हूं, बाय द वे हम उनको अय्याश नहीं मानते, हम वो एरिस्टोक्रेसी का मतलब है जिनको अपने कल्चर की नुआंसेस का पता होता है, वो संगीत को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो नृत्य को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो लिटरेचर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो फाइनर थिंग्स इन लाइफ विच मेक्स लाइफ, रसों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की फाइनर चीजों को भी समझते हैं, मैं उसको एरिस्टोक्रेट मानता हूँ. तो रोमारोला वॉज लाइक दैट एंड ही सेज आई हैव नॉट सीन अ बिगर यूरोपियन देन पंडित नेहरू इवन इन यूरोप. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट पंडित नेहरू हु वॉज सच ए, मतलब वो स्कूल का पढ़ाई इंग्लैंड में, कॉलेज का पढ़ाई इंग्लैंड में, उनका एक दोस्त का नाम हमें को बताइए इंडिया में, एक एक फ्रेंड इंडिया में पंडित नेहरू का. मैंने बहुत चेष्टा की खोजने का, कलीग्स हैं, कलीग्स बहुत सारे हैं, फ्रेंड एक भी नहीं है. अब फ्रेंड कहाँ है, इंग्लैंड में, एडविना माउंटबेटन है, माउंटबेटन है, और भी लोग हैं, दे आर फ्रेंड्स जिनके साथ वो हंसते हैं. इंडियंस के साथ वो हंसते नहीं है, ही स्माइल्स पोलाइटली, ही फ्राउंस मोस्ट ऑफ द टाइम, ही डजंट लाइक इंडियंस, ही फाइंड्स देम टू अनकूथ. ही इज रिटन अबाउट टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, हाँ दे आर ग्रेट आर्किटेक्चर, बट आई फील डिप्रेस्ड गोइंग देयर. You know, but he doesn't feel depressed in Vatican. Now, what is this? Because he's become too European. You know, unki atma badal gayi hai. So, even Pandit Nehru, itna kuch hone ke baad bhi, he is still not comfortable with the white skin. माने सेल्फ कॉन्शियस है कि आई मस्ट बिहेव द करेक्ट मैनर. ये नहीं होता हम लोग आप, मैं आपके बीच में, मुझे कोई मतलब आई एम रिलैक्स, आई डोंट बॉदर कि मैं हाथ से खाना खाऊंगी चम्मच. यस यस, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नेहरू जी भी अंग्रेजों के सामने सेल्फ कॉन्शियस है. ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हम में आया है, हमारी साइकी में आया है, कि समवेयर वी फील वी आर नॉट अप टू द मार्क, समवेयर वी आर लैकिंग. सो इवन दोज हु प्रोफेस बहुत इंडियननेस की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, साइंटिफिक पेपर लिखेंगे या कोई ह्यूमैनिटीज की कोई किताब लिखेंगे, but they always keep looking at the back, ki what are they saying, wo Harvard wala kya bol raha hai, wo Sheldon Pollock kya bol raha hai. We still need their approval somewhere. We are caught in a very very major way. For instance,
कंटेंट तो बदल जाता है। अगर स्कूल में मैं आऊं तो मैं कहूंगा कंटेंट तो बदल जाता है। आप महाराणा प्रताप पढ़ाएंगे कि शिवाजी पढ़ाएंगे या अकबर को पढ़ाएंगे, ये बदल जाता है। लेकिन उसकी जो पेडागॉजी है वो डीप डाउन वही रहती है। और ये पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरी बात शुरू करूंगा इससे पहले आप पेडागॉजी के बारे में भी है। हाँ आप बता रहे थे आपके आप जब छोटे थे सोशलिस्ट आपके घर में आते थे आपके साथ सोते थे उसके बाद हम आपसे स्टोरी को मिस करते हैं। थोड़ा मैं भी सेल्फ कॉन्शियस हो जाता हूँ क्या अपने बारे में बताऊँ। एनीवे हाँ तो खैर जीवन यात्रा पे अगर आए तो वो बचपन तो ऐसा कलकत्ते में गुजरा और स्कूल में मैं बहुत कमज़ोर था, मतलब फिजिकली गेम्स स्पोर्ट्स में हमको टीम से बाहर ही होता था, मैं बार बार घुसने का चेष्टा करता था। और स्कूल में मैंने देखा वो बच्चा, हम लोग के ज़माने में वही बच्चा हीरो होता था जो थोड़ा स्ट्रांग होता था, टीम में खेलता था। हम तो खेलना आता नहीं था मुझे, दौड़ना खेलना, मैं बार बार बीमार होता था तो मुझे कुछ आता नहीं था। खाली एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा मेरा पूछ होने लगती थी, आई वॉज़ गुड इन स्टडीज, तो इसलिए थोड़ा उस टाइम मुझे भाव मिलता था, अदरवाइज आई सफर्ड अ लॉट इन स्कूल क्योंकि आई वॉज ऑलवेज मतलब नॉट गुड इन एनी थिंग यू नो अदर देन स्टडीज। बट दिस मेड मी, आई थिंक दिस गेव मी, आई थिंक मुझे पक्का नहीं बोल सकता लेकिन मुझे लगता है ये जो घर का माहौल और ये दोनों मिला के मुझे बहुत सेंसिटिव बना दिया। आई बिकेम वेरी परसेप्टिव, आई कुड सी पीपल वॉट दे आर, आई कुड गो बिहाइंड यू नो। अभी भी मैं जब किताब पढ़ता हूँ, फॉर इंस्टेंस आपको बताता हूँ, तो मोस्ट पीपल रीड द बुक बट आई रीड द ऑथर फर्स्ट। हाँ कि ये पंडित नेहरू ने लिखा है तब मैं एक तरह से पढ़ता हूँ, और अगर गांधी जी ने लिखा हूँ तो मैं दूसरी तरह से पढ़ता हूँ, और अगर रविंद्रनाथ ने लिखा है तो तीसरी तरह से पढ़ता हूँ। उनका बैकग्राउंड पहले जरूरी है मेरे लिए, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। तो ये बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट इनएडिक्वेट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप दैट आई वाज लैकिंग समथिंग दैट मेड मी वेरी परसेप्टिव। नाउ आई कांट गिव यू अ रीजन अदर देन दिस because I was always used to be sitting in a corner looking at people playing being active, मैं तो बैठा हूँ उधर, तो बैठ के करेगा क्या आदमी, ऑब्जर्व ही करेगा। तो ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ उससे। एंड देन लेटर ऑन, अब मैं थोड़ा रिलेट तो मुझे करना पड़ेगा, हम अभी 2009 से लेके 2012 के बीच में मैंने तीन बड़े कॉन्फ्रेंसेस किए, किस चीज़ पे, टू अंडरस्टैंड What is education in the Indian tradition? What is education in Indian tradition? तो उसमें करीब 120 लोग, 40-45 लोग हर कॉन्फ्रेंस में आए, अबाउट 120-130 लोग आए, हिंदू परंपरा से, जैन परंपरा से, बौद्ध परंपरा से ज़्यादातर, और जो मॉडर्न परंपराएं हैं जैसे श्री अरबिंदो का, कृष्णमूर्ति जी का, महात्मा गांधी का, शांति निकेतन से भी आए, और ये आपके रामकृष्ण मिशन के लोग भी आए, तो 120 लोग आए, आयुर्वेद के लोग भी आए, कथक के लोग भी आए, और ध्रुपद जो गायन होता है उसके लोग भी आए। और ये मैंने, एक हमारे गुरु तुल्य हैं सैमदोंग रिम्पोचे, बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत वाकई विद्वान आदमी है, उन्होंने सिंगल हैंडेडली टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडी सारनाथ खड़ा किया एकदम ब्रिक बाय ब्रिक, और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे टिबेटन गवर्नमेंट एग्जाइल के।
तो रिम्पोचे जी के तत्वाधान में ये तीनों हुआ। जैसे आपके सानंद गुरु जी आप लोगों के एक तरह से वो थे, स्तंभ थे, तो मेरे सिद्ध में एक तरह से स्तंभ पहले धर्मपाल जी, बाद में रिम्पोचे जी थे। तो रिम्पोचे जी के तत्वाधान में ये तीन कॉन्फ्रेंस हुआ। तीनों कॉन्फ्रेंस होने के बाद मैं और रिम्पोचे जी बैठे और रिम्पोचे जी ने मुझे पूछा कि आपका क्या रिव्यू करी, क्या लगा आपको, क्या हुआ। मैं बोला मैं तो बहुत निराश हो गया, क्योंकि जितने लोग आए ये लोगों को आधुनिकता की कोई समझ नहीं है, एक भी आदमी को समझ भी नहीं है, समस्या भी नहीं है आधुनिकता से। और हमारी समझ में परंपरा और आधुनिकता साथ में नहीं जा सकती, इसमें एकदम विरोध है। तो रिम्पोचे जी बहुत खुश हुए मेरे जवाब से। पर फिर बात करते करते एक चीज मेरे को फ्लैश किया कि ऐसा नहीं था कि यूजलेस हो गई सारी कॉन्फ्रेंस, उसमें एक चीज निकल के आई, हालांकि किसी ने बोला नहीं ये बात, लेकिन मेरे को एक चीज पकड़ में आई, वो ये, और वो शायद आपके लिए बहुत यूजफुल हो, कि सभी परंपरा में जो एक कॉमन थ्रेड है वो है कि लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन ऑब्जर्वेशन। हमारी परंपरा में, शिक्षा परंपरा में ऑब्जर्वेशन, अवलोकन को, या आप उसको कह सकते हैं ध्यान देने को, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हाउ टू ऑब्जर्व, नंबर टू आफ्टर ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान देना है, उस पर मनन करना है, जो आपने ऑब्जर्व किया उस पर मनन, चिंतन मनन, कॉन्टेम्पलेशन। एंड द थर्ड इज दैट यू डोंट बॉदर टू मच अबाउट रीचिंग अ कंक्लूजन। इफ यू कैन रीच अ कंक्लूजन फाइन, बट डोंट बी टू ईगर टू इमीडिएटली रीच अ कंक्लूजन, विच द मॉडर्न माइंड इज एब्सोल्युटली डिस्टर्ब इफ यू कांट रीच अ कंक्लूजन। उसको तो कंक्लूड करना ही है, एक ही मिनट में उसको सब कुछ समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आया तो वो विचलित हो जाता है। और कृष्णमूर्ति हमेशा कहते हैं स्टे विद द क्वेश्चन, स्टे विद द क्वेश्चन। आई विल गो एड वन मोर लाइन, स्टे विद द पैराडॉक्सेस। भारतीय परंपरा या भारतीय चिंतन या भारतीय सिविलाइजेशन में हम लोग आइदर और वाले लोग नहीं रहे कभी भी, या तो ये या तो वो, ऐसा नहीं। मॉडर्निटी में एवरीथिंग इज बाइनरी, आइदर दिस और दैट, आइदर यस और नो। भारतीय परंपरा में यस एंड नो गो टुगेदर, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सो इफ यू स्टे विद दैट, एंड दिस डिस्टर्ब्स द मॉडर्न माइंड, ही वॉन्ट्स अ वेरी क्लीन आंसर। तो अगर इफ यू स्टे विद द क्वेश्चन, देन वॉट हैपन्स, योर माइंड वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। यू गो बियॉन्ड लॉजिक, यू गो बियॉन्ड द तर्क, एंड इट इज पॉसिबल दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट रिवील्स इटसेल्फ। वो चीज रिवील हो जाएगी आपको, आपको कोई इंसाइट मिल जाएगा, आपको चीज समझ में आ जाएगी, बट द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दैट इज नॉट लॉजिकल, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। आई थिंक आवर भारतीय परंपरा में इस पर बहुत, इसको रिकग्नाइज किया गया है, इस पे बहुत ध्यान दिया गया है, ये हमको वो चीज में समझ में आया। तो मैं जो बच्चा होके कोने में बैठता था, ये अपने आप हुआ कि हम ध्यान देने लगे। एंड आई कुड मेक आउट, यू नो, लाइक देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग, तो मैं अलग अलग लोगों पे ध्यान दे रहा हूँ, दिमाग में कुछ चल रहा है, अच्छा ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सोच रहा है, वो इसके मन में सवाल आ रहा है लेकिन पूछ नहीं रहा है, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मेनी थिंग्स। I think that was the beginning of setting of certain things in motion within me, where I could observe and
pay attention to that what I was observing. They are two different things. Observation is sheer observation. ऑब्जर्वेशन जो है वो शेयर ऑब्जर्वेशन है, उसमें दिमाग नहीं चलता है, आप खाली देख रहे हैं और फिर जो देखा उस पर आपका ध्यान गया, उस पर आपने चिंतन मनन किया। ये फिर बाद में जब मैंने विपश्यना किया, लेटर ऑन आई डिड विपश्यना इन 84 व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 31, देन आई कुड कनेक्ट मैनी ऑफ दीज थिंग्स। तो वो बचपन का स्कूल का तो पीरियड ऐसे ही रहा, उसके बाद आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांट टू डू आफ्टर स्कूल। माने कोई दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि ये करना है कि वो करना है। हमारे कुछ दोस्त आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे थे, मैंने आईआईटी का नाम भी नहीं सुना था तब तक। तो वो लोग बैठ रहे थे, 500 रुपये का हम लोग को एक वो भेजना पड़ता था, उस टाइम एक पोस्टल ऑर्डर आता था, वो भेजना पड़ता था। तो हमने भी भेज दिया, वो आ गया, मैं बैठ गया एग्जाम में और हम निकल गए, मतलब आई पास्ड। दैट टाइम इट वाज नॉट सच अ बिग थिंग, देयर वर नो कोचिंग क्लासेस, ये सब तो थे नहीं उस समय, 71 की बात है। सो वंस आई एंटर्ड, आई मीन आई गॉट थ्रू, तो देन प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग अप कि सिंस यू हैव गॉट इन देन यू हैव टू गो। And my father wanted me to become a chartered accountant. So then that was very easy. Because he wanted me to become a chartered accountant, I had to rebel against him. So main engineering karne chala gaya. You know, stupid, but that is how. आपसे ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं सब बात। तो engineering करने का कोई शौक नहीं था, कुछ दिमाग में कुछ था नहीं, ऐसे ही चले। And those 5 years, in a way, it was good also. In a way, after a couple of years, I realized ki this is not my cup of tea. Matlab, mera interest nahi hai isme. Mera interest humanities ki taraf jyada tha. Social science, history, ityadi ityadi. You know, desh ko samajhna, samaj ko samajhna, politics ko samajhna. Lekin it was too late because once you are in India mein ye to hai nahi ki aap idhar udhar ja sakte. घुसे तो आईआईटी कानपुर, हाँ, पर निकले दिल्ली से। 2 साल के बाद ट्रांसफर लिया था। मेरे अंकल जो थे ताऊ जी, वो एमपी थे, तो उनको पैरालिसिस हो गया था, तो आई हैड टू शिफ्ट टू दिल्ली जस्ट टू बी अराउंड। एनीवे, सो आई पास्ड आउट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंटर्ड कानपुर आईआईटी। तो आफ्टर दैट अगेन आई वॉज इन अ लिम्बो, क्या करें क्या करें क्या करें। तो एनी वे वो बहुत मैं छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा उसमें मतलब नहीं है। आईआईटी पे कोई खास नहीं सुना है कि आईआईटी कानपुर में, हाँ बहुत अच्छा माहौल, हाँ अच्छा, पर 2 ही साल था ना। एंड आई गॉट इन टू बैड कंपनी इन फर्स्ट ईयर, सो यू नो आई थोड़ा ड्रग्स लेने लगा, गांजा वांजा वही सब, तो पता ही नहीं चला। So then that was another reason I wanted to leave that place, because I had got into that such, so I left that. So yeah, but these are rich experiences, you know, they have taught me a lot. And then after IIT again I was in a limbo, kya kare ab, ye to bahut acha impression nahi dal raha hu main aap logon se, ye sab bol raha main, bol sab bol, ha to मेरे ताऊ जी का नाम था बालकृष्ण गुप्ता, ही वॉज एन MP इन 68 का राज्यसभा में MP थे सोशलिस्ट पार्टी से। तो ये रहते थे कलकत्ते में नहीं, MP बनने के बाद दिल्ली शिफ्ट हुए। हाँ पहले करके, हाँ वो तो उधर बनना था, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या, हाँ तो मैंने फिर एक फैक्ट्री लगाया, कहानी बहुत कहानी से तत्व। तो एक फैक्ट्री लगाया बिहार में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, आई मीन राइस ब्रैन होता है, राइस ब्रैन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का प्लांट। उस समय मैं बहुत घूमा बंगाल में, बिहार में, असम में, इंटीरियर्स में जाता था, तो उस टाइम भी मुझे बहुत कुछ समझने को मिला कि हाउ द ऑर्डिनरी इंडिया लिव्स, यू नो, क्योंकि कलकत्ते में दैट इज नॉट ऑर्डिनरी इंडिया, दैट इज एन एंग्लिसाइज्ड इंडिया।
एंड आफ्टर रीडिंग धर्मपाल आई कुड अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई कुड रिलेट व्हेन बेंटिक यू नो 1818 बेंटिक इज सेइंग दैट नाउ देयर इज नथिंग टू वरी बिकॉज वरी मतलब व्हाट वरी कि ये लोग हमको मारेंगे पीटेंगे हमारे साथ रिबेलियन करेंगे इंडियंस वो बोलता है नाउ देयर इज नथिंग टू वरी बिकॉज द एजुकेटेड इंडियन हैज स्टार्टेड इमिटेटिंग आवर वेज हो गया काम Once you start imitating someone, then how will you oppose that person? वो तो superior हो ही गया आपका. ये बंगाल में बैठा हुआ बेंटिक, who was the Governor General of Bengal, is saying in 1818, you know, of this kind of a thing. तो this धर्मपाल की किताबें पढ़ के मुझे बहुत कुछ समझ में आया. I could relate to a lot of things. This hypocrisy, this tendency to imitate the West, you know. And then let's be just put it tendency to imitate. ये imitation दूसरे को impress करने की बीमारी ये हमको दूसरे को impress करे अपने को कर लो impress ना why don't you impress yourself दूसरे को छोड़ो तो ये जो बीमारी है ये कहाँ से लगी इसका कुछ कुछ हमको समझ में आने लगा so वो बात बाद में अभी आता हूँ उस पर तो ये तो फैक्ट्री लगाए फैक्ट्री जब तक लगाए तब तक बहुत मज़ा आया जब फैक्ट्री चालू हो गया तो मेरा एकदम इंटरेस्ट गायब हो गया क्यों गायब हो गया क्योंकि मुझे समझ में आया कि टू डू बिजनेस आई हैव नथिंग अगेंस्ट बिजनेस इट्स अ वेरी नोबल थिंग लेकिन टू डू बिजनेस यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे माने यू कैनॉट बी योरसेल्फ आपको 50 तरह के लोगों से डील करना पड़ता है आपको सामान बेचना भी है आपको सामान खरीदना भी है आपको बैंक से भी डील करना है आपको गवर्नमेंट से भी डील करना है बहुत तरह के लोगों से डील करना है और हर जगह प्रिटेंड करना है हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रिटेंड करना है अब मेरे को प्रिटेंड करना से बहुत दिक्कत होती है I can't pretend. I feel very angry if I have to pretend. So I realize business is not my cup of tea. ये तो मेरे से चलेगा नहीं हाँ और बहुत दुखी रह के क्या जीने का मतलब है ना तो हम बोले ये तो जान अच्छा घर में कोई ट्रेडिशन में नहीं था ना मेरे को कोई फेथ क्या होता है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है रिलीजियस टीचिंग क्या होती है कुछ मालूम नहीं So I was completely a typical modern scientific temperament जो अंधविश्वास मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला scientific temperament mostly means superstitious thinking blind faith in whatever comes as scientific तो अब क्या करें तो हुआ क्या पर I was a voracious reader at that time मैं पढ़ता बहुत था तो मेरा इंटरेस्ट जागा एक आदमी है अभी भी है उसका यूट्यूब में कभी कभी आते हैं वो उसका नाम है एलन वॉट्स तो मैं एलन वॉट्स का फैन बन गया मैं उसकी कुछ किताबें पढ़ा मुझे बढ़िया लगी उसके थ्रू एक और आदमी का नाम आया एक जापानीज आदमी डीटी सुजुकी सो आई स्टार्टेड रीडिंग सुजुकी एंड एलन वॉट्स दे यूज टू राइट अबाउट मोस्टली अबाउट जेन बुद्धिज्म जेन उस टाइम बड़ा क्रेज भी था एक किताब आई थी हम लोग के ज़माने में आपने कुछ लोग शायद सुना होगा नाम इट वॉज अ कल्ट बुक कॉल्ड जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस हाँ तो वो उस जमाना था हम लोग का तो ये किताबें मैंने पढ़ा फिर एक किताब पढ़ा एक और ऑथर था लायल वॉटसन ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड ही वुड राइट अबाउट माइक्रो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बैक्टीरिया के बारे में हाउ दे बिहेव एंड इट वॉज अ फैसिनेटिंग बुक And I felt that there is much more than, you know, we don't know so many things. And this is a magical world, you know. तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक गियर शिफ्ट हुआ कहीं अंदर में जो एकदम रिजिडिटी था सोचने का उसको थोड़ा सा शिफ्ट हुआ और उसी टाइम हमको विपश्यना मेडिटेशन के बारे में पता चला मेरे एक दोस्त से कि एक विपश्यना मेडिटेशन करके कुछ होता है और उसको एक उसके वो हम बहुत सस्पिशियस होते थे ये जितना कुछ कोई कोई बोलेगा ये मठ है कोई बोलेगा ये
सदगुरु है, कोई बोलेगा ये क्या क्या है श्री श्री है, तो मैं पहले मेरे दिमाग में आएगा कोई फ्रॉड होगा, है ना, ये सबसे पहले थॉट ये आएगा कोई फ्रॉड होगा। तो जब उसने विपश्यना के बारे में बताया तो मेरे को लगा कि कोई फ्रॉड होगा, तो मैंने उससे बहुत क्वेश्चन किए, उसने जितने जवाब दिए मैं सेटिस्फाई हुआ। और मैं जो ये किताब पढ़ता था एलन वॉट्स की, डी टी सुजुकी की, हमको कहीं ना कहीं ये किताब और जो उसने विपश्यना के बारे में बताया उसमें एक कुछ संबंध दिखाई दिया, तो मेरी क्यूरियोसिटी जगी। आई वेंट एंड डिड वन कैंप। इट सो हैपेंड दैट जिस दिन मेरे दोस्त ने ये बताया मेरे को, उसके एक हफ्ते के बाद एक अनाउंसमेंट हुआ कि कलकत्ते में मेरे घर के ठीक सामने ये कोर्स होने वाला है। हमने बोला ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उसमें चला गया। एंड आई स्टेड देयर फॉर 10 डेज। यू कांट स्पीक, यू डोंट रीड एनीथिंग, यू हैव टू बी कम्प्लीटली साइलेंट फॉर दोज 10 डेज। सो आई वेंट देयर एंड गोयनका जी हिमसेल्फ, हु हैड ब्रॉट दिस फ्रॉम बर्मा, हिमसेल्फ वॉज कंडक्टिंग दिस कोर्स, एंड on nothing happened to me for 9 days, but I did it very sincerely. On the 10th day some floodgate kind of opened and I had an experience in which I felt that everything was interconnected, whether it was animate or inanimate, or you know, patthar hai ki hawa hai ki manushya ka sharir hai, everything is interconnected, there's nothing in isolation, sab kuch interconnected, and it was a very very major thing for me. और उसमें कुछ चमत्कार जैसा हुआ, ये हुआ कि हमारे डर से जो एक अंदर जो डर था कि मैं अगर ये बिजनेस नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो डर निकल गया। तो मैं घर आके मैंने अनाउंस किया कि मैं ये बिजनेस से बाहर जा रहा हूँ, आप लोग इसको संभालिए। मेरे पिताजी को और मेरे अंकल को बोला आप लोग इसको संभालिए, मैं आई वॉन्ट टू गो एंड डू विपश्यना। सो इट टुक मी 2-3 ईयर्स, but I left ultimately and I shifted to the hills because I wanted to live in a quiet place. तो मैं पहाड़ में आ गया। उसके बाद जो हुआ वो तो एकदम जैसे फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, फास्ट फॉरवर्ड हो गया मोड में। उसके बाद धर्मपाल जी मिल गए हमको, तो मैं पहाड़ में आके रहने लगा। और मैं तो मेडिटेशन करने आया था, विपश्यना को समझने आया था, पढ़ने आया था, थोड़ा रिसर्च करने आया था। विपश्यना बुद्धिस्ट है, this was chosen by my wife, not by me. I wanted to live in the hills and in a very remote place, but she said no, we must live in Mussoorie because I've studied there and our children have to go to a school, proper school, proper school. तो मैं बोला चलो, इतना तो मानती है कि पहाड़ में रहने को तैयार हुई, तो हम मसूरी, हमको मसूरी पसंद नहीं था, एकदम पसंद नहीं था उस टाइम। तो anyway that was it. पर मसूरी में रहने का ये हुआ कि लोग हम लोग गांव में जाते थे ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, और वहाँ पे फिर गांव वालों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है, आप एक पढ़ा दीजिए हमारे बच्चों को। तो हम लोगों ने ऐसे ही मतलब शौकिया, नथिंग वेरी सीरियस, वी स्टार्टेड गोइंग देयर एवरी डे एंड टीचिंग, बट इट टुक अ वेरी सीरियस टर्न इन स्लोली। तो उसमें फिर हम लोगों को 6-8 महीने में ये बात समझ में आई कि ये सो कॉल्ड एजुकेशन इज़ डूइंग मोर हार्म देन इट इज़ डूइंग गुड, यू नो, क्योंकि बच्चों में एक एटीट्यूड आ जाता है कि ये तो हम वी आर सुपीरियर, हमारे गांव के लोग इन्फीरियर हैं, हमारे माँ बाप इन्फीरियर हैं, ये सब काम धंधा इन्फीरियर है, हम लोग कुछ सुपीरियर हो गए हैं। तो ये सब समझ में आया, ये सब आपने सुना हुआ है इसलिए मैं कट शॉर्ट करता हूँ। और उसके बाद हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। मुझे हमेशा शौक होता है कि कुछ अच्छे लोगों को बुला के बातचीत हो, ये मेरा सबसे बड़ा शौक है। सभी लोग आपका वो जर्नी नहीं जानते। अच्छा ठीक है। तो वो क्या हुआ कि हम तो ऐसे ही शौकिया समझते हैं ना, ऐसे ही, नॉट सीरियस। मैं वो गांव वालों ने कहा कि आप स्कूल हमारे बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है 2-3 घंटा हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोग जाते थे और धीरे धीरे वो लोग, हम लोग को भी अच्छा लगने लगा, वहाँ पे अच्छी गैदरिंग होने लगी, इट वॉज मतलब आई यूज टू एंजॉय इट। और उसके बाद एक दिन वो लोग, दे ब्रॉट 4 यंग बॉयज़ टू अस एंड दे सेड दैट ये लोगों को आप थोड़ा ट्रेनिंग दे दीजिए, दे हैव क्लास 12 पास एंड वील स्टार्ट 2 more schools इन नेबरिंग विलेजेस। दैट उसका टोपोग्राफी आपको समझाता हूँ, पहाड़ के गाँव का मतलब है 15 से 20 परिवार बस, छोटा, बहुत छोटा गाँव होता है क्योंकि ज़मीन ज़्यादा नहीं होती जहाँ खेती आप कर सकें, पहाड़ है
तो काट काट के खेती होती है, तो एक गांव में 15-20 परिवार से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, पानी की भी दिक्कत है, ये सब है, तो इसलिए गांव बहुत छोटे होते हैं। और एक गांव और दूसरे गांव के बीच में सड़क तो नहीं होती थी उस समय, तो आपको पैदल जाना पड़ता था। पैदल जाने का मतलब है 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी 3 घंटा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है लेकिन ऊपर नीचे और वैसे करके। तो हम लोग ने वहाँ पे जो स्कूल शुरू किए, तो उसके बाद क्या हुआ कि उधर की जो महिलाएं थी 40-45-50 एज ग्रुप की जो महिलाएं थी, उनको उन्होंने हमको कहना शुरू किया कि देख भाई साहब, आपका ये जो बच्चे जो पढ़ के स्कूल से निकलते हैं ना, वो लोग न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं, दे आर नाइदर हियर नॉट देयर, एंड यू नो ये लोग हमको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। दिन पहले लोग घर में काम करते थे, लड़की भी काम करती थी, लड़का भी काम करता था, खेत में भी काम करेगा, घर में भी काम करेगा। स्कूल जाने के बाद ये लोग को लगता है ये लोग कुछ लाट साहब हो गए हैं, और लड़का पैंट में हाथ डाल के घूमता है दिन भर, काम नहीं करता। लड़की के हाथ में नेल पॉलिश आ जाती है, उससे गोबर में हाथ नहीं जाता है, ये सब वो बोले हम लोग को। तो बात में सच्चाई थी, और हमको बात तो सब दिखा कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन स्कूल कैसे स्कूल में ये सब हो जाता है, हम लोग तो नहीं सिखाते ये बात, किताब तो ये बात नहीं सिखा रही है, तो कैसे हो जाता है। तो ये प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया, और ये प्रश्न को लेके हम बहुत बहुत हमने मतलब इस पे लगे रहे। तो हमने एक उसी समय एक एजुकेशन पे एक सेमिनार मसूरी में किया ऑर्गेनाइज, और उसके ठीक पहले हमको बहुत हम कट शॉर्ट थोड़ा करेंगे, तो हमने एक किताब पढ़ी थी द ब्यूटिफुल ट्री रिटन बाय धर्मपाल। हम आपको भी बोलेंगे प्लीज़ रीड दैट बुक, मे बी यू हैव इट इन योर लाइब्रेरी, अदरवाइज आई कैन सेंड इट टू यू। तो वो किताब हमने पढ़ा तो मेरा पूरे अजम्पशंस चैलेंज हो गए, जो मैं सोचता था एजुकेशन के बारे में, भारत की एजुकेशन को लेके मेरा ये मानना था कि ये एजुकेशन नाम की चीज़ अंग्रेज लोग लेके आए। उसके पहले हमारे यहाँ कुछ गुरुकुल होते थे जहाँ पे वेद पुराण पढ़ाया जाता था, पर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं वो तो अंग्रेज ही लेके आए, उसके पहले यहाँ कोई एजुकेशन नहीं था। वो किताब में ये पूरी मान्यता चैलेंज हो गई, गॉट सीवियरली चैलेंज, एंड नॉट जस्ट चैलेंज बट आई मतलब मेरा एकदम 180 डिग्री टर्न हो गया मेरा सोचने का ढंग। तो मैं आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर धर्मपाल, एंड आई मेड इन यू डू यू नो ऑफ अ बुक विच सेज दैट नो वन इन द वर्ल्ड इज मोर देन 6 degrees अवे, यू हर्ड ऑफ दैट बुक। तो आई मेड 3 calls एंड आई वुड गेट धर्मपाल, यू नो उस टाइम मोबाइल भी नहीं था। एंड देन धर्मपाल जी को मैंने बोला कि धर्मपाल जी हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक यू टू कम, तो धर्मपाल जी सेड अरे मसूरी तो बहुत दूर है, ये है वो, ऐसा कुछ बोले। तो मैं सोचा ये जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ऐसे ही धर्मपाल जी भी होंगे, बहाना कर रहे हैं, हम लोग तो छोटी संस्था हैं कहाँ ये जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो, नहीं नहीं छोड़ दिया मैंने, नो होप। हाँ उसके एक हफ्ते के बाद मेरे पास एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया दिल्ली से, राजीव वोरा का, उनका फ़ोन आया कि पवन धर्मपाल जी दिल्ली आए हुए हैं एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट यू। आस्किंग अबाउट मी, आई जस्ट स्पोक टू हिम 10 days ago and 7 days ago एंड ही सेड दैट एंड हाउ ही डजंट नो मी, नो ही फाउंड आउट एवरीथिंग अबाउट यू एंड ही इज इंटरेस्टेड टू मीट यू, तो तुम दिल्ली आ जाओ। तो मैं तो दिल्ली जा ही रहा था, तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ 2 दिन बाद। तो आई वेंट देयर एंड देन आई वेंट टू गांधी पीस फाउंडेशन में धर्मपाल जी वर स्टेइंग, तो बहुत लोग बैठे थे, हम भी बैठ गए और बहुत मुझे मज़ा आया, जो उधर बातचीत चल रही थी इट वॉज रियली माय कप ऑफ टी, यू नो मुझे वो सब चीज़ों में मज़ा आता है, तो खूब बात चल रही थी, मज़ा आया। और उसके बाद मैं बाहर जा रहा था तो राजीव बोरा आए, बोले कि तुम इनको मसूरी ले जाओ धर्मपाल जी। तो मैं बोला मैं जानता नहीं इनको, ये मेरे साथ जाएंगे, इतने बड़े आदमी हैं। बोले हाँ तुम पूछ के देखो। धर्मपाल इन द मीन टाइम हैड फाउंड आउट एवरीथिंग अबाउट मी, दैट आई मतलब माई हु वॉज माई अंकल, कनेक्शन विद जयप्रकाश नारायण, विद डॉक्टर लोहिया, ऑल दैट ही हैड फाउंड आउट। सो ही मस्ट हैव मेड सम, उन्होंने फिगर आउट किया होगा।
तो मैंने उनसे बहुत हेजिटेटिंगली पूछा कि धर्मपाल जी मैं आप मसूरी चलेंगे, चलिए हम तो वो हमको एक ही चीज़ पूछे कैसे जाएंगे, तो मैं बोला मैं गाड़ी लेके आया हूँ, तो बोला गाड़ी में जाएंगे हम, बोले हाँ तो ठीक है। तो धर्मपाल जी वॉज कैरिंग टू बिग सूट केसेस फुल ऑफ, एक में तो कपड़ा था उनका कुर्ता पजामा और दूसरे में किताबें थी, तो टू बिग सूट केसेस वी पाइल्ड इन द एंड वी केम टू मसूरी, ही स्टेड फॉर 1.5 months एंड दोज वर द मोस्ट वंडरफुल डेज ऑफ माई लाइफ। इतना मज़ा आया उनके साथ क्योंकि इट वॉज वेरी ईजी टू टॉक टू हिम, ही यू कुड टॉक टू हिम अबाउट एनी थिंग अंडर द सन, एनी थिंग। मतलब ये नहीं है कि ये इतना बड़े आदमी है तो खाली इनसे कुछ कुछ बातें करो, कुछ भी बात कर सकते, ये मेरा बच्चा बहुत बदमाश हो गया है या ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, ये चीज़ की डिमांड कर रहा है, आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है, आपको चाय बहुत पसंद है, वो चिड़िया कैसी है, वो पेड़ कैसा है, कुछ भी बात करिए आप उनसे, एंड ही वुड गिव यू अ फ्रेश इंसाइट इनटू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब इवन द स्मॉलेस्ट थिंग ही वुड गिव यू, मतलब सैसे और बहुत ऑर्डिनरी तरीके से। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उनको रात को नींद नहीं आती थी, ही वॉज अ इंसोमैनियक, तो और खूब पढ़ते थे, तो हमको एक दिन बोले एंड ही वुड गेट आफ्टर समथिंग तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो वो कभी कभी, जैसे दो ऑथर है हिंदी के, एक का नाम है प्रेमचंद, आप लोग जानते होंगे नाम, एक ऑथर है शरद चंद बंगाली ऑथर, तो ही वंस टोल्ड मी कि हमको प्रेमचंद को पढ़ना है, तुम किताब लेके आओ। तो आई गॉट होल लॉट ऑफ बुक्स यू नो प्रेमचंद, गेव इट टू हिम, he finished it in 2 or 3 days, okay, nights, not days, right, night, and he also finished Sharad Chandra, and then I still remember he told me 2 things, he said ye Premchand to bahut rota hai, bahut rona peetta karta hai, lekin Sharad Chandra taakat dikhata hai, jo hamari bhartiya mahilaon ki taakat hai, unki jo shakti hai wo usme dikhai deti hai, aur Premchand hamesha rone ka kaam karta hai, तो ये रोना पीटना नहीं चाहिए ज़्यादा। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रेमचंद का एक किताब है, एक नॉवल है जिसमें वो दो बैल की कथा है, और उसमें जो एक किसान है, बहुत गरीब किसान है, तो उसका बेटा उसको बोलता है कि देखिए ये गाय को आप बेच दीजिए और हम लोग जर्सी गाय लेके आएंगे, जर्सी गाय। तो उसका पिताजी बोलते हैं क्यों लेके आते हो जर्सी गाय, बोले खूब दूध देती है। तो धर्मपाल जी ने मुझे बोला यार 1930 में हम लोग का दिमाग खराब हो गया था जर्सी गाय का, हम लोग जर्सी गाय उस समय से लाने लगे। सो यू सी ही कुड पिक दैट अप, हमने भी वो किताब पढ़ी थी, फॉर मी इट डिड नॉट, हमने नोटिस ही नहीं किया, बट ही कुड नोटिस दी स्मॉल थिंग्स दैट द किसान इज टॉकिंग अबाउट जर्सी गाय इन 1930, ओके दिस इज सिग्निफिकेंट राइट। Yeah, when he was reading a book called Maithili Sharan Gupta, he was our national poet. So he's written a book called Bharat Bharti. It's a long poem, beautiful poem about what Angrezon ne India mein kya kiya, uske baare mein. Usme ek footnote hai, us kitab mein. And the footnote says that between 1890 and 1900, in these 10 years, India lost 19 मिलियन पीपल, 19 मिलियन मतलब 1,90,00,000 लोग मर गए 10 साल के अंदर, ओके कितने लोगों ने भारत भारती पढ़ी है, कभी किसी ने ये मेंशन नहीं किया, पर धर्मपाल जी ने इसको नोटिस किया, यू नो, तो यू नो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ही कुड कनेक्ट थिंग्स, ही कुड सी थिंग्स विच ऑर्डिनरीली यू एंड आई डोंट सी। So therefore, my real education, I would say, started with Dharampal ji. He would point out few things here and there, kuch bhi bolenge, he would notice things, he would pick things, he could make out what a person was all about. Is it worth spending time with him? Dimag lagana bhi hai ki, nahi to chup-chap uth ke chale jaate the. He would not, politely nahi baithenge. तो खैर वो वन ही स्पेंड 1.5 मंथ में विथ मी, एंड आफ्टर दैट एवरी ईयर टिल ही डाइड ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही वुड कम एंड स्पेंड 1 or 2 months, एंड वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क,
विद हिम। बहुत सारी किताबें का एडिटिंग किया, बहुत सारे पुरानी चीज़ें हम खोज के निकाले। मैंने बहुत काम किया उनके साथ वो 10 साल में, और बहुत कुछ सीखा भी। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू महात्मा गांधी, एंड टुडे आई वुड से दैट माय सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन, द ब्यूटी ऑफ द कॉमन इंडियन, साधारण भारतीय के बारे में, ये मुझे महात्मा गांधी से और धर्मपाल से समझ में आया। आई डोंट अग्री विथ मैनी ऑफ द पोलिटिकल डिसीशंस ऑफ महात्मा गांधी, बट आई सेपरेट द टू महात्मा गांधी, द पोलिटिकल महात्मा गांधी एंड द सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल महात्मा गांधी। एंड आई हैव, आई गिव 90 out of 100 मार्क्स ऑन द कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल साइड। पोलिटिकल साइड आई विल नॉट टॉक अबाउट, दिस इज फॉर माई ओन सैनिटी, बिकॉज नहीं तो मेरे को बहुत मुश्किल हो जाता था कि क्या करें। सब लोग बोलते थे ये भी किया गांधी जी ने, वो भी किया, तो मैं तो एडवोकेट नहीं हूँ उनका ना, तो मैंने ये अलग कर दिया। और मैं पर वो जो समझ में आया मुझे, जो हिंद स्वराज, आई कंसिडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स टू अंडरस्टैंड मॉडर्निटी एंड इंडिया, वो सबसे पहली किताब गांधी जी की हमको वो समझ में आई। आई वुड गिव इट टू धर्मपाल, हु इंट्रोड्यूस मी टू महात्मा गांधी। इन फैक्ट ही इंसिस्टेड दैट आई गेट द एंटायर वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, दोनों में, क्योंकि उनको ट्रांसलेशन में वो बोलते थे मत पढ़ो, जो ओरिजिनल में है उसी को पढ़ो। वैसे बहुत कुछ उनका गुजराती में लिखा हुआ है, वो तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये दोनों मंगाए। और इसमें वो उन्होंने शुरू में हमको एक लिस्ट बना के भी दिया, वो आज भी है मेरे पास वो लिस्ट, कि क्या क्या पढ़ना चाहिए गांधी जी का। इट कंटेन्स अबाउट 100-120 आर्टिकल्स, लेटर्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड गांधी एज वेल एज अंडरस्टैंड इंडिया। एंड माइंड यू, वन मोर थिंग आई वुड से, इफ फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, दैट almost 95% of those articles which Dharmpal ji pointed out have been written before 1924 by Mahatma Gandhi. Now he used to differentiate between Gandhi ji of before 1922-24 and post 22-24, particularly ye jo apna kaun sa hua tha wo asahyog andolan, non cooperation movement, उसके पहले के गांधी जी और उसके बाद के गांधी जी, ही वुड मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी वैलिड डिस्टिंक्शन। तो मैं, अगर आपको उनका व्यूज को समझना है तो यू मस्ट रीड हिज अर्लियर राइटिंग्स बिफोर 1922, स्पेशली 1909 जब उन्होंने हिंद स्वराज लिखा से लेकर के 1920, ये पीरियड को अगर आप थोड़ा देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ, नॉट जस्ट महात्मा गांधी, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट इंडिया, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द वेस्ट ऑल्सो। ये इम्पॉर्टेंट पीरियड है उनकी राइटिंग का। तो ये शुरू का ये हुआ, उसमें ये भी बात हमको समझ में आई कि ये, इसका आंसर भी मुझे मिला कि ये जो महिलाएं कह रही हैं कि भाई आप, ये बच्चा न घर का रहता है न घाट का रहता है, ये अपने को सुपीरियर मानने लगता है और हमको इन्फीरियर मानता है, ये बात हमको पकड़ में आई थ्रू धर्मपाल एंड थ्रू महात्मा गांधी। और उसका एक मैं इशारे में आपको बताऊं, ऐसे तो इसमें थोड़ा ध्यान, ज़्यादा लंबी बात होनी चाहिए, लेकिन छोटे में मैं आपको बताऊं तो एक जगह गांधी जी कहते हैं कि ये अंग्रेजी शिक्षा ने हमारा स्कूल और हमारे घर, स्कूल और घर के बीच की दूरी बढ़ा दी है, एलियनेशन पैदा हो गया दोनों के बीच में। कैसे? कि बच्चा घर में कुछ अलग तरह के कपड़े पहनता है ना, कब, ये कब बोल रहे हैं वो, 1916 के आसपास, आज से 100 साल पहले। तो बच्चा घर में क्या पहनता है, कुछ अलग तरह के कपड़े पहनता है, जब स्कूल जाता है तो वो पैंट पहनता है, घर में पैंट नहीं पहनता, घर में वो ऐसे बैठता है, हमारे राजा महाराजा भी ऐसे ही बैठे, मतलब क्रॉस लेगेड, स्कूल में जाके पांव लटका के बैठता है, बेंच पे बैठता है, घर में वो एक तरह से खाना खाता है, स्कूल में अलग तरह से खाना खाता है, घर में सब कुछ अलग है, स्कूल में अलग है।
क्या चीज अलग है? बेसिकली अगर एक नाम देना हो तो जो सांस्कृतिक डायमेंशंस होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं, वो घर के अलग हैं, स्कूल के अलग हैं। उठना, बैठना, कपड़े पहनना, बात करना, घर की भाषा अलग है, स्कूल की भाषा अलग है। और जब भाषा बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत खाली भाषा, खाली शब्द नहीं होते ना, उसके साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तो सब कुछ में स्कूल अलग हो गया और घर अलग हो गया, और उस बच्चे के मन में एक बात बैठ गई कि हमारा घर इन्फीरियर है क्योंकि स्कूल सुपीरियर है। तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है या स्कूल जिस बात को रिप्रेजेंट करता है वो ऊंचा है और हमारा घर की चीज़ें थोड़ी इन्फीरियर है। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ गया और इसकी वजह से उसमें इमिटेशन, नकल करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। जो बेंटिक कहते हैं कि नाउ द एजुकेटेड, नाउ देयर इज नथिंग टू वरी बिकॉज द एजुकेटेड इंडियन हैज स्टार्टेड इमिटेटिंग आवर वेज। द सेम थिंग इज महात्मा गांधी इज सेइंग आफ्टर 100 ईयर्स व्हेन ही इज बता रहे हैं कि भारत का क्या हालत क्या है। ये मैंने अपने गांव में भी देखा जब मैं पढ़ाता था कि यही चीज यहाँ हो रही है। अब वो बच्चा जो घर में लोकल भाषा बोलता था, जौनपुरी बोलता है, वो स्कूल में आके हिंदी बोलने लगा और उसको जौनपुरी बोलने में शर्म आने लगी। कोई बोलता नहीं है कि शर्म करो, अपने आप होता है, ये अपने आप होता है। ये मजे की बात है। बाद में हम लोगों ने स्कूल की किताबों को एनालिसिस किया। हम आपको बता, 6 प्रकार की किताबों का एनालिसिस किया, कंटेंट एनालिसिस। उसमें NCERT की किताब, उसमें UP बोर्ड की किताब, उसमें उत्तराखंड बोर्ड की किताब, उसमें शिशु मंदिर RSS के जो स्कूल चलते हैं उसकी किताब, उसमें तमिलनाडु बोर्ड की भी किताब थी, और उसमें हम लोगों ने ये ICSE स्कूल की किताब। ये 6 तरह का किताबों का हम लोगों ने कंटेंट एनालिसिस किया। भाषा की किताब, सिविक्स की किताब, हिस्ट्री की किताब, ये मेनली, पर कभी कभी दूसरी तरह की किताबें भी हम लोगों ने ली। ज्योग्राफी की भी किताब कभी कभी ली। और आप पाएंगे कि उसमें एक कॉमन थ्रेड है, वेदर इट इज NCERT और ICSE और तमिलनाडु बोर्ड और UP बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड और शिशु मंदिर, एक कॉमन थ्रेड है। कॉमन थ्रेड ये है कि वी आर नॉट गुड इनफ। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, छोटे बच्चों की क्लास में क्लास 3 की किताब का एक एग्जाम्पल हमको सबसे सटीक लगता है। वो क्लास 3 की किताब है, हिंदी भाषा की किताब, यूपी बोर्ड। उसमें लिखा, क्लास 3 में बच्चे की उम्र होती है 8 साल या 9 साल, है ना। 8 साल का 9 साल का यूपी का बच्चा जब जाता है स्कूल, हिंदी के क्लास में बैठता है और किताब खोलता है, उसमें एक चैप्टर है सरोजनी नायडू पे। उसमें लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस इज, सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी। अब होशियार का क्या मतलब है? प्रॉबेबली दे वॉन्ट टू से शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, आई डोंट नो, क्लेवर तो नहीं मतलब हो सकता है, दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, वॉट एवर इट इज, सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी। ये उसका फर्स्ट सेंटेंस है कि सरोजनी नायडू वॉज वेरी इंटेलिजेंट, एट द एज ऑफ 5 शी कुड राइट और राइट नॉट रिसाइट राइट पोएम्स इन इंग्लिश। आप अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखिए, मैं इसलिए कॉन्टेक्स्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि वो बच्चा जो उसको पढ़ रहा है वो यूपी के गांव का बच्चा या शहर का बच्चा, जैसे कि वो घर में क्या भाषा, यूपी में कहीं भी भाषा जो यूपी की, हम लोग बोलते हिंदी है, हिंदी नहीं है वहाँ की भाषा, वहाँ की भाषा है अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, ऐसी भाषा घर में बोलते। वो बच्चा पहले से उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंग्रेजी बहुत, अगर मैं अंग्रेजी जानता तो मैं तो प्रेसिडेंट बन जाता, ये बात उसके मन में बैठा हुआ है कि बस मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। वो दुखी बच्चा ये बात पढ़ता है कि देखो वो इतनी होशियार थी,
कैसे थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता रिसाइट नहीं करती थी, लिखती थी। इसको तो ABC भी नहीं आता है, क्लास 3 के बच्चे में। तो इसके मन में आप क्या कर रहे हैं, आप इसको साइकोलॉजिकली वायलेंस है ये, दिस इज द वुंड, सिविलाइजेशनल वुंड दैट आई वाज टॉकिंग ऑफ। आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, आप उसको ये बता रहे हैं, किताब बता रही है कि तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धू ही रहने वाले हो, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती है। ही इज, अब कुछ उसके कहीं घाव नहीं लगा है, सब ठीक है, लेकिन अंदर में घाव लग गया, जिंदगी भर रहेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू बी ओके। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ, लेकिन इसी तरह के एग्जाम्पल दे आर परवेसिव इन ऑल आर बुक्स। इफ यू सी छोटे बच्चे के, आप दो तस्वीर, एनवायरमेंट की पढ़ाई होती है तो एनवायरमेंट के क्लास में एक तस्वीर है गांव की, यू कैन मेक आउट दैट इट्स अ विलेज पिक्चर, उसमें गाय है, भैंस है, गोबर है, झोपड़ी है, खेत है। और दूसरी पिक्चर है जो आप एक कमरा है, उसमें एक सोफा सेट है, एक टेलीविजन है, और नीचे में एक कारपेट है, और एक सूटेड बूटेड आदमी टाई लगाकर हैट पहन के सोफा पे बैठा है। कोई आदमी को आपने देखा है हिंदी इंडिया में हैट पहन के सोफा पे बैठे हुए, पर उस किताब में है। और उसके बगल में उसकी सपोर्टली हिज वाइफ, और नीचे एक बच्ची। वी हैव रिमूव द सन बिकॉज वी हैव बिकम जेंडर सेंसिटिव, राइट। तो लड़के को बाहर कर दिया, लड़की है। और इधर दोनों के पिक्चर के नीचे लिखा है स्वच्छ वातावरण, सूट बूट वाला वातावरण, स्वच्छ वातावरण, क्लीन एनवायरनमेंट। और जो गांव की तस्वीर है उसके नीचे लिखा है पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। व्हाट, अब देखो आप क्या कर रहे हो ना, आप गांव का ही दो तस्वीर दे सकते हो, एक में गंदगी है एक में नहीं है। आप शहर की दो तस्वीर दे सकते हो, एक में साफ है एक में नहीं साफ है, पर आप गांव को गंदा और शहर इसको अच्छा। या मच नीडेड।